नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से 2 से 3 मार्क्स का हर परीक्षा में आता है, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इतना ज़्यादा होता है याद करने के लिए कि आप लोग याद नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग पेपर में तुक्का लगाने लगते हैं, क्योंकि हिंदी आपको पता ही है, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, तो आप लोग हिंदी में तुक्के लगाते हैं और वहाँ पर से गलती हो जाती है। जबकि ये कुछ लिमिटेड ही हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चन का संग्रह लेकर आया हूँ कि जो आप अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो पेपर में आपका नंबर नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप सभी क्वेश्चन करके आएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले का क्या होता है, जिज्ञासु, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, अगर आपको नहीं आते हैं तो उन्हें आप नोट करते चलें, जिससे कि आप लोगों को ये तैयार हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं इनको, इसे कहते हैं ऑप्शन डी, अनामिका। दोस्तों वर्तनी भी देखते चलिए, नहीं आप गलत कर देंगे कि अनिमिका होता है अनामी, अनामिका, इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं और ये बी में भी हो सकते हैं, तो इसीलिए सही आपका यही वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुगामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है, तो वो हो जाएगा आपका बी, अमूल्य। ठीक है, अमूल्य ही होगा क्योंकि उसका कोई मूल्य ही नहीं है, तो इसीलिए हो जाएगा। ठीक है, अर्थ अगर आप समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, और मैंने यहाँ पे वही बताए हैं जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, तो ये आप ज़रूर इतना तैयार कर लीजिए, आपका पेपर में एक भी आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, ठीक है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या होता है, ऑप्शन सी, मिताहारी। ठीक है, मित व्यय मतलब जो व्यय कम करे उसे कहते हैं, ठीक है, मित व्यय ये वाले को। ठीक है, मिताहारी आपको आहार लेने वाला, ठीक है, हारी इसीलिए आया है, मित मतलब कम और आहारी, आहारी आ रहा है ना, आहार लेने वाला, तो कम आहार लेने वाला आपका क्या हो जाएगा, मिताहारी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, तो दोस्तों इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए हर चीज़ की तो ट्रिक नहीं बन सकती है, कुछ चीज़ों की ट्रिक बन सकती है, बाकी वाक्यांशों में आपको क्या करना होगा कि आपको अर्थ समझना होगा। अगर आप अर्थ समझ गए हैं तो ये सारी चीज़ें कर ले जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2 से 3 ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला ऑप्शन है डी, अंतेवासी। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो जब आप गुरु के समीप रहेंगे, गुरु के साथ रहेंगे मतलब घर से दूर रहेंगे, तो क्या गुरु आपको एक कोने में मतलब अंत में, अंतेवासी, अंत मतलब अंत, कमरे के अंत में मतलब एक कोने में कह देंगे कि वहाँ जाकर आप पढ़ो, पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि गुरु के समीप रहकर आप अध्ययन करेंगे तो कहाँ करेंगे, अंत में, एकदम अंते, अंतेवासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, पदच्युत। पद आपको पता ही, च्युत मतलब हटाना, किसी चीज़ को हटाना। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी, आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन आपको जो नहीं आता उसे नोट करते चलिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो आप एक क्वेश्चन भी, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप छोड़ के आए पेपर के लिहाज से। ठीक है, तो इसीलिए इसे तो लिखते चलिए। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो मतलब जिसके बारे में आपको पता ना हो, अचानक से हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, ये वाले में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये इसमें भी हो सकते हैं, तो वर्तनी आप लोग देखते चलिए। वर्तनी के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप इसे देख लीजिए, लिख लीजिए। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी, वाचाल। बहुत सिंपल सी चीज़ है, याद ही हो जाएगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। जिसका इलाज ना हो सके, अब जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं, असाध्य, ऑप्शन ए।
ठीक है, जिसको सही न किया जा सके, कहने का मतलब साध्य, जिसका इलाज ही नहीं कर सकते हैं तो असाध्य हो जाएगा। अब कर लेते हैं, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अजेय, ठीक है, उसे जीता ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिस स्त्री का पति जीवित है, अब किसी स्त्री का पति जीवित है तो क्या हो जाएगा? साधवा, ऑप्शन ए, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी, जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सकते हैं, मतलब ऑप्शन सी आपका हो जाएगा अक्षय, नाम से ही पता चल रहा है, आ अक्षय, जो क्षय ना हो सके, मतलब जो छीण ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सब कुछ मतलब ऑप्शन डी, सर्वज्ञ, सर्व मतलब सब कुछ, सर्व मतलब सब कुछ प्लस अज्ञ मतलब जानने वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्वज्ञ, ज्ञानी, ज्ञा से आप ज्ञानी भी याद कर सकते हैं, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, बहुत जानने वाला बहुज्ञ, ठीक है, ज्ञानी आपको पता है, त्रिकाल तो होगा ही नहीं, वैसे भी पता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंत्यज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका वर्तनी भी देख लीजिएगा, आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है पेपर में, और ऐसे ऑप्शन दे देगा जिससे आप गलती कर सकते हैं, तो इसकी वर्तनी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, अब इसको इसका आंसर हो जाएगा सी। ट्रिक से कैसे इसे याद करें, तो देखिए पाथ, इंग्लिश में आप लोगों को पाथ पता ही होगा, किसे कहते हैं? रास्ते को कहते हैं, रास्ते को कहते हैं, ठीक है, तो पाथ है मतलब रास्ते के लिए जो दिया जाए, आपको यहीं से आपको पता चल गया, रास्ते के लिए जो भोजन दिया जाए, खाद्य सामग्री, उसी को कहते हैं, यहाँ से आप इसे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, आधी रात का समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? निशीत, कैसे याद करेंगे? क्योंकि आधी रात के समय शीत गिरती है, ठीक है, शीत गिरती है, शीत लहर जो बोलते हैं ना, आप सुबह उठते होंगे तो ओस गिरी रहती है बूंदें, वो कब गिरती हैं? आधी रात के समय, तो उससे याद कर सकते हैं ये शीत, ठीक है, शीत, तो शीत गिरेगी तो क्या होगा? निशीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपथ्य। इसे ट्रिक से कैसे याद करें, तो आपको पता होगा कि रंगमंच पर्दे के पीछे जो पर्दा होता है आपका, इसमें क्या होता है, पीछे एक गैलरी होती है जहाँ से लोग आते हैं, ड्रेसिंग रूम भी बोलते हैं, जहाँ पे लोग तैयार होते रहते हैं, तो वो एक गली से आते हैं और फिर सामने आते हैं पर्दे के, और फिर पर्दा हटता है दोनों तरफ से और आपके सामने कलाकार होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, मतलब वो गली से आते हैं, इसलिए क्या हुआ, ये गली क्या हो गई? पाथ हो गई, मतलब रास्ता हो गया, जो अभी नेपथ्य जो हमने पढ़ा था, पाथे, तो पाथ मतलब क्या? रास्ता, तो रास्ते में क्या है? नेपथ्य हो गया, तो रास्ते से ही तो आते हैं, तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हर चीज़ के लिए मैंने इसीलिए ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि सभी ट्रिक जो मुझे अच्छी लगती हैं, कोई ज़रूरी नहीं वो आपको पसंद आए, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको याद होना चाहिए, मेन ये दिक्कत, मेन ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, समिधा। तो समिधा कैसे आप याद करेंगे? समिधा मतलब समाधि से याद कर लीजिए, समाधि जो होती है आपकी, वो भी ऐसे ही होती, मतलब लकड़ी से ही जलाई जाती है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, हवन सामग्री बिल्कुल नहीं होगी, ये आप लोग गलती कर सकते हैं कि हवन में जलाने वाली लकड़ी हवन सामग्री, समिधा होती है, तो आप लिख लीजिए कि जो हवन में जलाई जाती है उसी से समाधि भी जलाई जाती होगी, तो वो आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दिगंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी तैयार कर लीजिए। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या के गर्भ से हुआ है, तो ऑप्शन बी, कानीन। ये कैसे याद करेंगे ट्रिक से आप लोग दोस्तों? तो ये ऐसे याद करेंगे कि जब भी कोई जो कन्या हो या कोई भी हो गर्भ में होता है, तो क्या करते हैं लोग? कान लगा के सुनते हैं यहाँ पे, ठीक है, कान लगा के यहाँ पे सुनते हैं कि पेट से आवाज़ क्या आ रही है, तो वैसे याद कर सकते हैं कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो क्या होगा? कान लगा के आप सुनते हैं, तो कानीन हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, पेट की अग्नि,
के लिए शुद्ध शब्द है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जठराग्नि, ये हो जाएगा जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसके पास कुछ ना हो, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अकिंचन। इसे कैसे ट्रिक से याद करें, तो दोस्तों इसके लिए ट्रिक यही है, जिसके पास कुछ ना हो, इसका मतलब क्या है कि उसके किचन में कुछ नहीं है, किचन में खाने को कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो अकिंचन, आ मतलब होता ही है कि नहीं, तो नहीं है किचन में उसके कुछ, तो हो गया जिसके पास कुछ नहीं, मतलब उसके पास किचन में ही कुछ नहीं है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अनाहूत, मतलब जिसको आहूत ना किया गया हो। आहूत जब आप यज्ञ करते हैं तो आहूत करते हैं, देवी देवताओं को मतलब बुलाते हैं, तो वहाँ पे आहूत होता है, लेकिन आपने बोल दिया अनाहूत, ठीक है, अन मतलब आपको नहीं बुलाया गया, तो जिसे बुलाया ना गया हो वो अनाहूत हो जाता है, ठीक है। अगर आप अर्थ जानेंगे और ट्रिक जानेंगे, या सिर्फ अर्थ ही जान जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन सी मुमुक्षु। भूख की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, बुभुक्षु हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही रहता है वो भी, सिर्फ बुभुक्षु हो जाता है, सिंपल। अभी आगे मैंने दिया है उसे भी, तो वहाँ से आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हौदा, ठीक है। हौदा मतलब ऐसे बड़ा सा रहता है, उसी में आप जिनको भी लड़के बच्चे जो भी बैठना रहता है बैठते हैं, और नीचे हाथी होती है, ठीक है, सूंड। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, तो क्या होता है, अप्रमेय, ठीक है, ये हो जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिए अगर नहीं आता है तो। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपस्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। अब मैं बताता हूँ इसे ट्रिक क्या है इसको याद करने की दोस्तों, असूर्यपस्या मतलब सूर्य को, पस्या मतलब देखना, देखना, और आ मतलब क्या, नहीं, जो मतलब सूर्य को नहीं देख पाते हैं, तो क्या होगा वो, क्या कौन होगी, रानी होंगी, रानी, क्योंकि वो महल में अंदर रहती हैं, काफ़ी अंदर रहती हैं वो लोग, तो महल के अंदर रहती हैं, उन्हें सिर्फ उनसे कौन मिल सकता है, राजा मिल सकते हैं, और उनकी दासियां मिल सकती हैं, दासी मिल सकती हैं, और कोई नहीं मिल सकता, उन्हें बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता, पता ही होगा आप लोगों को पहले का, तो इसीलिए हो जाए। अब वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, ये बिल्कुल गलत है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना होगा, नहीं आप लोग ये भी लगा, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे ये भी नहीं होगा, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी ये भी नहीं होगा, आपको याद रखना सूर्य पश्चात सूर्य की रोशनी कौन नहीं देख पाता है, तो वो हो जाएगा रानी लोग नहीं देख पाती थी, इसीलिए रानी वास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्रियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, तो उत्तराधिकार क्या कहते हैं, मतलब जागीर मान लीजिए एक हिसाब से, जागीर है तो कोई जब मर जाता है तो उसके बाद उसका उत्तराधिकार बनाया जाता है, तो जब जागीर कोई मरता है तो उसकी स्थान क्या हो जाती है, रिक्त हो जाती है, मतलब खाली हो जाती है, ठीक है, खाली हो जाती है, तो उसे क्या करते हैं, उसे भरने के लिए कोई दूसरा आ जाता है, तो वो उत्तराधिकार होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब रिक्त थी तो उसे भरने के लिए कोई आ गया, प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। तो दोस्तों ट्रिक अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए क्या है, ऑप्शन ए पतित, बहुत ही नॉर्मल है ये, आप सभी को पता ही होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया। निम्नलिखित वाक्यों में से आपको प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, स्वयं सेवक के लिए कौन सा शब्द है, ठीक है, स्वयं सेवक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, ठीक है, स्वयं मतलब खुद से जो सेवा करे, स्वयं मतलब खुद, सेवक मतलब खुद, सेवक जो करने लगे ऑटोमेटिक अपनी इच्छा से करे, ना कि दूसरों की, बिना वेतन और ये सारी चीज़ें, स्वयं की सेवा करने वाला ये भी गलत है, ये लोग आप कंफ्यूज इसमें हो सकते हैं, लेकिन दूसरों की सेवा करते हैं ये लोग, खुद की सेवा नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, ऑप्शन बी तितीर्षा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं फिर भी ये बता दे रहा हूँ कि जिनको सारा नहीं याद करना वो इतना तो ज़रूर याद कर लें जो जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, लेकिन पूरा याद करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। चलिए देख लेते हैं, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य,
झगड़ा लगाने वाला मनुष्य कौन है? ऑप्शन डी नारद। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जहाँ लड़ाई होती थी नारद पहुँच जाते थे, इधर की बात उधर करते थे। नारद का मतलब ये होता है कि इधर की बात, इधर की जो बात होती है वो उधर करेगा। तो जब ये ऐसा करेगा तो क्या होगा, इधर के लोग उधर से वालों से लड़ाई करेंगे। बस सिंपल सा चीज़ है। जो कठिनाई से मिलता है, अब जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली है, कोई इसमें ज़्यादा बात नहीं है दोस्तों। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये मैंने आपको दिया है। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं हर बार अपने लेक्चर में देता हूँ आप लोगों के लिए कमेंट करने के लिए, तो वो ये वही क्वेश्चन है। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या हो जाएगा इसका? पार्थिव, ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से समझने योग्य है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन सी दुर्बोध। दुर्बोध मतलब बोध, बोध मतलब ज्ञान, जो आसानी से ज्ञान ना हो सके। दुर मतलब पता ही आपको कि जो आसानी से आपको ना ज्ञान हो सके, तो हो जाएगा दुर्बोध। जो ज्ञान ही नहीं आएगा आपको, तो मतलब कठिनाई होगी, जब ज्ञान ही नहीं तो आपको कठिनाई होगी, तो वो यही हो जाएगा। ठीक है, मतलब मीनिंग आप जानिए, मेन उद्देश्य यही है। अगर आपको इससे अच्छी मीनिंग आती तो और अच्छी बात है, आप समझ ही जाते होंगे। बहुत से लोगों को रटा भी होगा, तो आप तब भी देखिए जिससे कि आपको ये पूरा तैयार हो जाए। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो ऐसे के लिए है ऑप्शन डी कृतार्थ। मतलब होता है ना, कहते हैं कि मैं कृतार्थ हो गया, मतलब उनको संतुष्टि मिल जाना, तो वो चीज़ होती है कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी काली सूची। ठीक है, ब्लैक लिस्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोगों ने सुना होगा, ब्लैक लिस्ट की काली सूची में डाल दिया गया, अब तो वो पकड़ा ही जाएगा कोई भी चोर हो। फिर देख लेते हैं, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में से जानते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंतःपुरा। अंतः मतलब अंदर और पूर मतलब जान लीजिए पहले के टाइम में होता था, तो ये महल का ही होगा। राजा वाजा रजवाड़ों में पूर रखते थे सारी चीज़ें, कि ये पूर वो पूर, तो ये हो जाएगा आपका अंतापुर, मतलब महल के अंदर के भाग को बोलते थे। ठीक है, गर्भगृह ये सब भगवान के लिए यूज होता है, भीतरी तल ये भी नहीं होगा, रनिवास रानियों के लिए होता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके, देखिए वही सेम चीज़ उस टाइप का जो अभी मैंने पहले दिया था, उसी को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आप बताइए यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी असूर्य पस्या। पस्या मतलब ही होता है देखना आँख से, तो स्पर्श मतलब हाथ से छूना, ये तो गलत हो जाएगा। सूर्य दर्शन ये भी गलत हो जाएगा, और क्या नाम असूर्य दृष्टा ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिए कि यही होगा असूर्य पस्या। पस्या मतलब देखना। जो युद्ध में स्थिर रहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये ऑप्शन सी युधिष्ठिर। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहना, युद्ध में इसका संधि विच्छेद भी ऐसे ही होता है, युद्ध में स्थिर रहना, मतलब ये मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, संधि विच्छेद एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमेशा रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? ऑप्शन ए शाश्वत, मतलब हमेशा चलता ही रहेगा, निरंतर। शाश्वत का मतलब निरंतर। ठीक है, निरंतर, तो इससे आप कर सकते हैं, जो हमेशा रहेगा मतलब वो निरंतर ही रहेगा, तो वो भी हो जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसे ट्रिक से कैसे करेंगे? देखो भाई, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है मतलब वो क्या हो गया? मर गई होगी। तो जब मर गई तो उससे बड़ा विपत्ति तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, विपत्ति आ गई ना ये, तो ये हो जाएगा विपत्नी, मतलब पत्नी उसकी नहीं है, विपत्नी, विपत्ति आ गई तो अब नहीं है। ठीक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है, उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है,
ये हो जाएगा। और जो ना माने उसे क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, जो नभ में चलता है, नभ में चलता है बहुत इम्पोर्टेंट है, खेचर, ठीक है, खेचर हो जाएगा इसका आपका आंसर। बहुत ही आप लोगों को पता होगा, आप में से बहुत लोगों को। व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, व्याकरण ही, ये भी गलत है, बाकी सारे गलत हैं, सिर्फ ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आशातीत, आशातीत भी बोलते हैं इसे, और आशातीत जो भी आपको दिया हो आप वो कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो जाएगा। अब जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, ये पिछला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आप लोगों को पता है कुछ भी नहीं है, मतलब किचन में भी कुछ नहीं है खाने को, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अकिंचन, कुंचन नहीं होगा, किंचित भी नहीं होगा, लभ्य भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस पर हमला ना किया गया हो, तो जिस पर हमला ना किया गया हो क्या हो जाएगा, अनाक्रांत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी देख लीजिएगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंद गति से कार्य करता हो मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मंथर, मंथर मतलब जानते होंगे मंथरा को आप लोग, रामायण में मंथरा वो क्या थी, कुबड़ उसको था, तो चलने में दिक्कत होती थी, तो क्या बहुत मंद गति से कार्य करती थी, मतलब बहुत धीमे चलती होगी, जब कुबड़ है, कुबड़ी भी उसे बोला जाता था, तो मंद गति से कार्य करती थी, इसलिए मंथर हो जाएगा, ठीक है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी किंग कर्तव्य मोड़, बहुत ही इम्पोर्टेंट, किंग कर्तव्य मोड़। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन बी आंसू कवि, ठीक है, मतलब वो सुन के ही कर देता है, आंसू कवि तुरंत रचना कर देता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए अन्योदर, अन्योदर मतलब अन्य बना है प्लस उदर, उदर मतलब होता है आपका पेट, तो दूसरे के पेट से होगा तो वो अन्योदर होगा, वो तो पता ही है। तो वह भाई जो अन्य माता से हुआ मतलब वो दूसरी माता से होता तो दूसरे के पेट से हुआ, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी जिगीसा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूज़न कहाँ होती है कि ये भी पूछ लेता है, जिजीविषा, तो इसको भी आप यहीं पे जान जाइए, ये है जीने की इच्छा, जीने की इच्छा, ठीक है, ये जीने की इच्छा, ये जीतने की इच्छा है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आने वाला हो कह रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आगमिष्यत पतिका, ठीक, आगत पतिका मतलब जो आ चुका हो, तो ये तो होगा नहीं, आगत पतिका का मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ चुका है, आ चुका है, तो ये भी याद कर लीजिए, ये दोनों कई बार इसे पूछ लेता है, कई बार इसे पूछ लेता है, तो अगर आ चुका है तो आगत पतिका मतलब आगत हो जाएगा, और आगमिष्यति मतलब आने वाला है, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन संस्कृत का है, तो ये क्या हो जाता था आपका, ये हो जाता था भविष्य, भविष्य का हो जाता था, ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, तो जिसका कोई शत्रु नहीं पैदा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, आजाद शत्रु, ऑप्शन बी, ठीक है, आजाद शत्रु, कि जात से ही कोई शत्रु ना हो, मतलब जब से वो पैदा हुआ है तब से कोई शत्रु भी नहीं हुआ उसका, ठीक है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, तो गतानुगतिक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर नहीं आता है तो लिख लीजिए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्या हो जाएगा, किंवदंती, ठीक है, किंवदंती, इसको वर्तनी भी देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे गड़बड़ लिख के भी दे सकता है, तो वर्तनी आती होगी तो आप इसे टिक कर देंगे, ठीक है। युयुत्सु का अर्थ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, ये क्या हो जाएगा, युद्ध का इच्छुक,
युद्ध का इच्छुक युयुत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो उसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए वागदत्ता, ठीक है, जमान दी गई हो, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है तो वागदत्ता। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्र पर विजय प्राप्त करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? इंद्रजीत, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू थे वो तो मैंने दे दिए हैं, यहाँ से मैंने एक साथ जो और भी इम्पोर्टेंट थे उन्हें भी मैंने स्लाइड में कर दिया है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिए। जो बाएं हाथ से कार्य करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने दे दिया है, सव्यसाची, इसे सव्यसाची बोलते हैं, ठीक है। सव्यसाची मतलब बाएं से हाथ से काम करने वाला, और एक होता है डेबरा, डेबरा भी बोलते हैं, तो दोनों लिख लीजिएगा। डेबरा मतलब बाएं हाथ से जो काम करता है, वह आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए हो उसे क्या बोलते हैं? अध्यादेश। क्यों? इसके लिए ट्रिक है कि अध्यादेश मतलब आधा आदेश है, आधा आदेश है, आधा आदेश है, तो इसे क्यों? क्योंकि वह निश्चित अवधि के लिए है ना, पूरे टाइम के लिए होता तो पूरा आदेश होता, आधा आदेश मतलब कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से याद कर सकते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए तो क्या करते हैं उसे? खग्रास। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता, नाम से ही पता चल रहा है यही होगा, औदार्य दाता, उदार से देना जानता हो। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं। कोर्ट में, मूवीज में आपने देखा ही होगा कि अभियुक्त की पेशी हो रही है। दोपहर की बात का समय, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अपराह्न, ये यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? गोधूलि और प्रदोष, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी नहीं आता है तो दोनों को नोट कर लीजिए। अतिथि की सेवा करने वाला, ये होता है आपका आतिथे, ठीक है, आतिथे होता है। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, ठीक है, कुछ में इस स्वदेज भी लिख देता है, आप दोनों देख लीजिएगा, वैसे यही सही होता है, स्वेदज, ठीक है, लेकिन ये दे रहा है तो ये भी आप टिक कर दीजिएगा। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या होता है? क्षेपक, ठीक है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अधियूढ़ा। अब वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह किया होगा वो क्या? अधियूढ़ा मतलब बूढ़ा हो गया होगा तभी किया होगा, क्योंकि जवानी में तो दूसरे के साथ किया था, लेकिन बाद में क्या होगा? अधियूढ़ा, आधा उम्र हो गई होगी तब दूसरे से शादी कर लिया, तो ये ट्रिक है, आप लोग इससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो अवैध संतान हो उसे क्या बोलते हैं? जारज, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक माँ के पेट से उत्पन्न क्या होगा? सहोदर, मैंने भी बताया था, अन्योदर मतलब दूसरे के, अन्य के पेट से होने वाला, सहोदर मतलब सह मतलब सेम पेट से होने वाला, सेम पेट से होने वाला, सेम मतलब एक ही पेट से। दो बार जन्म लेने वाला, जिनका जन्म दो बार हुआ, मतलब ये दोनों दे सकता है, दो बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? अंडज, जिसका जन्म दो बार हुआ उसे भी अंडज ही कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो क्या होगा? सुग्रीव, ग्रीव मतलब गर्दन होता है, ठीक है, और सु मतलब सुंदर, सुंदर सुंदर ग्रीव, ठीक है। जो मांस ना खाता हो, निरामिष, ठीक है। कुछ ना जानने वाला क्या भाई? अज्ञानी है, अज्ञानी से याद कर लीजिए इसे कि अज्ञ, अज्ञानी, ठीक है, अज्ञ ले लिया यहाँ से। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, पता ही है आपको बीच में अंतरिक्ष है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो गणना योग्य ना हो, जिसे गणना ही नहीं कर सकते, वो क्या है? नगण्य है, मतलब शून्य से भी कम जो होता है नगण्य, शून्य ही को बोला जाता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नगण्य, जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, 0.0002 कर दें तो ये क्या है? नगण्य। अभी से क्या जोड़ेंगे आप बैठ के? पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री, परित्यक्ता, इसके लिए ट्रिक क्या है? परित्यक्ता मतलब परित्याग कर दिया गया उसका, परित्याग, ठीक है, परित्याग, आधा त्याग होगा यहाँ पे, परित्याग हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, परित्याग, परित्याग कर दिया गया किसका? स्त्री का, तो परित्यक्ता हो गई वो। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आँखों से परे है, मतलब ये क्या हो जाएगा? परोक्ष। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया काव्य, जीवन के अंश को लेकर मतलब पूरा जीवन नहीं लिखा गया, जीवन के अंश को कुछ भाग लिया गया है तो क्या हो जाएगा? खंड काव्य।
जो आँखों से सुनता है वो क्या हो जाएगा? चक्षु श्रवा, ये हो जाएगा चक्षु चक्षु श्रवा, श्रवा ये है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कई बार वर्तनी में गलत लिख देता है, तो आप यहीं से पता कर लेंगे इसे। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि निकालना, छोटे से छोटे काम में मतलब छिद्र है उसमें भी खोज लेना, छिद्रानवेशी बोलते हैं उसे, ठीक है। छोटे से छेद को भी खोज ले जाना, अन्वेषी मतलब खोजने वाला। एक स्थान पर टिककर रहना, एक स्थान पर टिककर रहना मतलब क्या होगा? यायावर। जिसने उधार लिया हो तो क्या होगा? उधार लिया मतलब क्या किया? अधर्म का काम किया है। उधार लेना नहीं चाहिए, सभी को पता है गलत बात होती है। वैसे लोन वोन लेते हैं आजकल, लेकिन पुराने समय में इसको अधर्म मानते थे। तो ये क्या होगा? अधर्मण होता है, इसका अधर्मेण नहीं होगा, ये अधर्मण होता है, अधर्मण, ठीक है। मतलब अधर्म से आप याद कर सकते हैं। जंगल में लगी आग क्या बोलते हैं? दावा नल और दावा अग्नि दोनों बोलते हैं। दावा मतलब जंगल होता है और अग्नि मतलब पता ही, नल मतलब भी यहाँ पे क्या होता है? अग्नि होता है, अग्नि आग, ठीक है। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा। तो ये था दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था ये हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं। इसके पहले हमने हिंदी की ट्रिक्स के और भी वीडियोस ऑलरेडी डाल लिया है, तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे और आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग उन्हें जाके ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं। आप लोगों को हिंदी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो भी ट्रिक के साथ में। और अगर आपका कोई और भी टॉपिक रह गया है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे कमेंट में करके हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसे कि जल्द से जल्द अपलोड किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।